हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एक्सपर्ट में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है, साथ में जिसे बोला जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सप्लाई और डिमांड जोन बोलने से थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ही टेक्निकल हो जाता है। जो लोग समझते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड जोन कुछ अलग बताने वाला है, तो वहाँ पे कुछ लोग इसके लिए अमाउंट भी पे कर देते हैं 10,000-12,000 फीस, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो सप्लाई, डिमांड जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, है ना, अलग अलग बोलने का तरीका है। तो अगर आप मार्केट में बिल्कुल भी नए हैं और आपको जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो एटलीस्ट सप्लाई और डिमांड जोन आपको पता होना चाहिए, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो एटलीस्ट मार्केट में आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाएगा कि कहाँ पे हमें एंट्री पोजीशन बनाना है, कहाँ पे हमारा टारगेट होना चाहिए ताकि हम एक्चुअल में प्रॉफिट बुक कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हमने यहाँ पे एंट्री गलत बना लिया, उस चक्कर में हमें जो प्रॉफिट ज़्यादा होना वो हो ही नहीं पाए। और कभी ऐसा आप लोगों के साथ होता है कि आप जो है स्टॉक को बाय करते हैं, बाय करने के बाद वो जो है नीचे आ जाता है, और जैसे ही आप वहाँ पे स्टॉक को जो है सेल कर देते हैं उसके बाद ही ऊपर चला जाता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, कभी स्टॉक को सेल कर दिया वो जा ही नहीं रहा ऊपर, जा ही नहीं रहा ऊपर, स्टॉक को आपने ऊपर सेल कर दिया उसके बाद ही ऊपर चला जाता है। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ ऐसा होना बहुत कम स्टार्ट होगा, मतलब या तो होगा ही नहीं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएं इस वीडियो से आपने क्या सीखा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, जो सपोर्ट जोन है इसको बोला जाता है डिमांड जोन, और जो रेजिस्टेंस है इसको बोला जाता है सप्लाई जोन। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल बारिश का टाइम जब आता है, ठंडी की टाइम आती है, ठंडी के टाइम पे टमाटर सस्ते हो जाते हैं, वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, डिमांड कम होता है, इसलिए सस्ते में रेट में मिलता है। सेम कभी ऐसा भी होता है स्टॉक मार्केट में कि मार्केट जब जो है गिरने लगता है तो वहाँ पर जो अच्छे वाले भी स्टॉक हैं वो डिस्काउंट प्राइस में मिलते हैं, मतलब वहाँ पर उनकी जो सप्लाई हो ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाता है, तो उस टाइम में खरीदने का मौका होता है। आपको न्यूज़ वाले या तो कहीं और भी बताते हैं मार्केट गिर रहा है बेचो बेचो, भाई वो बेचने का नहीं, वो खरीदने का टाइम है। ये बात याद रखिए, जो अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक हैं निफ्टी 50 के अंदर के स्टॉक, उनमें सब में बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाता है तो क्या बोलते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाएगा खरीदो खरीदो, उस टाइम पर ना वही हमारा सप्लाई जोन होता है, जहाँ पर बायर एक तरह से कम हो जाते हैं और सप्लाई करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो वहाँ पे ना हमें बाय करने की बजाय सेल करना पड़ेगा, जो स्टॉक हमने सेल करके बाय करके रखे हुए हैं उनको सेल करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो सेम जैसे मैंने टमाटर के लिए एग्जांपल बताया, वही कंसेप्ट काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो सपोर्ट में डिमांड और रजिस्टेंस में सप्लाई है। तो होता क्या है, एक और एग्जाम्पल देता हूँ सपोर्ट एंड रजिस्टेंस का। जैसा कि मैं यहाँ पर रूम पर खड़ा हूँ, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर, अभी यहाँ पर मैं एक टेबल रख दूँ, ऐसा टेबल रख दूं, ऊपर से बॉल गिराऊं तो क्या होगा, बॉल यहाँ पे आएगा, रुक जाएगा, रुकने के बाद यहीं पे बाउंस होता रहेगा, ठीक है, फिर सस्टेन कर लेगा। तो सेम जब स्टॉक ऊपर से गिरना स्टार्ट करता है और किसी लेवल पे आने के बाद जो पिछला यहाँ से बाउंस हुआ था, सेम लेवल से ऐसे यहीं पर होने के बाद फिर अप जाता है, तो ये बन जाता है उसका सपोर्ट, ठीक है। अब मान के चलिए अभी आप यहाँ पर हैं तो आपके ऊपर तो छत होगा, आपने छत में ऐसा बॉल मारा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो जहाँ पे स्टॉक ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आने लगता है वही उसका सप्लाई जोन या तो रेजिस्टेंस जोन होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर वो तेज़ी से मारा जाए कोई चीज़ और दीवार में ऊपर जो छत में है अगर वो ऊपर से निकल जाए होल करके, तो वहाँ पे बोलते हैं कि रेजिस्टेंस टूट गया, स्टॉक ऊपर निकल गया। अगर टेबल की जगह यहाँ पर अगर होल हो जाए तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, जब ऊपर से नीचे गिरेगा और नीचे आ जाएगा तो बोलेंगे सपोर्ट टूट गया। तो यही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे देखिए, आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, यहाँ पे HDFC बैंक का ये चार्ट है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये लेवल तक आया है, ये लेवल पे आने के बाद ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर से फिर ये नीचे गिरा, नीचे गिरने पे जो ये लेवल था इसी लेवल पर आके रुक गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर सपोर्ट जोन है, जिसे हम डिमांड जोन भी बोलते हैं। जैसे इस लेवल पे आया खरीदारी स्टार्ट, यहाँ से देखोगे तो फिर ऊपर गया, तो कहाँ तक गया, ये पहले जब आया था यहाँ पे तो यहाँ से ये ऊपर गया था, तो यहाँ पे ये बन गया रेजिस्टेंस जोन, पिछला जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे है,
उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, ये है। सेम यहाँ पे देखो कि ऊपर गया तो जो पिछला वाला रेजिस्टेंस था इस रेजिस्टेंस को फेस किया और यहीं पे रुक गया। रुकने के बाद ऊपर से फिर नीचे आया, कहाँ तक नीचे आया, जो पिछला हमारा यहाँ पे सपोर्ट जोन था जिसे डिमांड जोन बोलते हैं, सेम इसी लेवल के पास आया, इसी लेवल पे खरीदारी स्टार्ट हो गई और ये फिर ऊपर चला गया। ये कहाँ तक ऊपर गया, सेम इसी लेवल तक जो पहले हमारा रेजिस्टेंस जोन था, इस लेवल तक ये ऊपर गया। ऊपर से फिर रिएक्ट करने के बाद ऊपर जो है सेलिंग स्टार्ट हो गई, सेलिंग स्टार्ट होने के बाद फिर ये नीचे आना स्टार्ट हो गया। नीचे आने के बाद इसी लेवल से फिर ऊपर जग गया, सेम आप देखोगे तो जस्ट इसके ऊपर ही जाके रुका हुआ है इस लेवल पे। मतलब एक तरह से बोला जाए तो जैसे मैंने छत का एग्जांपल दिया था, वो होल करके ऊपर निकल गया, अब उसी लेवल पे घूम रहा है। अगर सस्टेन करके ऊपर निकल जाएगा तो बोलेंगे हमारा रेजिस्टेंस टूट गया, ऊपर चला गया। तो देखिए कभी भी आप स्टॉक में बाय करते हैं तो जैसे ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो आप जब ये भागता रहेगा तो देखते रहेंगे वो भागता रहेगा। फिर जैसे ही ऊपर से थोड़ा सा नीचे गिरना स्टार्ट होता है लगता है वाह वाह थोड़ा सा नीचे मिल रहा है, खरीद लेते हैं। इधर कहीं पे आप बाय कर लेते हो और आपको जो है डिमांड जोन का नहीं पता होता, ना ही सपोर्ट जोन का पता होता है, और नीचे वो आता है जब तक आता है जब तक कि प्रीवियस वाला वहाँ पर सपोर्ट जोन ना मिल जाए। आने के बाद इस लेवल तक आता है, आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर बाय किया तो ये नीचे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो है नीचे आने के बाद फिर इधर आप बैठे रहते हो, यहाँ पे फिर नीचे से ऊपर जाता है तो आपको लगता है कि हाँ मैंने इधर कहीं पे ख़रीदा है आपने, अब ये जो है यहीं तक गया, ठीक है यहीं तक गया, तो आपको लगा कि अरे यार मैं लेके बैठा हूँ ऊपर ही नहीं जा रहा है, फिर ये नीचे आ गया। फिर आप बोलेंगे फिर से नीचे आ गया यार, थोड़ा ऊपर गया था, फिर यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होगा, यहाँ तक गया तो फिर आपको लगेगा कि अरे यार यहाँ तक तो ऊपर गया ये, फिर जहाँ तक मैंने बाय किया था वहाँ तक गया ही नहीं। फिर आप परेशान हो जाएंगे। परेशान होने के बाद क्या होगा, जब फिर वापस से ये जाएगा रेजिस्टेंस लेवल को, जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा तो जैसे आपने जो प्राइस में ख़रीदा है सेम वो प्राइस में पहुंचते ही आप वहाँ पे सेल कर दोगे, और सेल करने के बाद ये तो रेजिस्टेंस टूट गया, ये ऊपर निकल जाएगा। फिर आपको लगा कि मैंने तो बेच दिया और बेचने के बाद ऊपर चला गया, जब ख़रीदा तो नीचे आ गया, तो आप ये सोचते हो कंसेप्ट ऐसा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपको एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता होता, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो देखने के बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का तो पता हो गया होगा, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ अलग से चार्ट के अलावा भी। देखिए कोई भी स्टॉक यहाँ से अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, नीचे जाने के बाद ऊपर, तो यहाँ पे जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये इसका सपोर्ट जोन या तो डिमांड जोन बन गया, और जिस लेवल से ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है ये उसका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये नीचे आया उसके बाद फिर इसी लेवल से रिएक्ट करने के बाद फिर से ऊपर चला जाता है और ऐसे चलते रहता है। अगर मार्केट में तेजी का माहौल है तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, अगर मार्केट में मंदी का माहौल है तो ये जो नीचे लेवल था सपोर्ट इसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, कैसा रिएक्ट हो रहा है मार्केट में। अगर आप बाइंग पोजीशन बना रहे हैं और सपोर्ट लेवल पे वो ब्रेक डाउन हुआ तो वहाँ पे थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिलती है। अगर मार्केट में तेजी का माहौल है और रेजिस्टेंस लेवल पे आपने बेच दिया तो कहीं ब्रेकआउट हुआ तो वहाँ पे और तेजी का माहौल देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रख के अगर ट्रेड करेंगे तो आई होप आप अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे मार्केट में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से आपने क्या सीखा, इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।